आप सभी लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि पश्चिम बंगाल ने भी विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी। और आप जानते हैं कि पहले आपकी 7 राज्यों में हुआ करती थी विधान परिषद, लेकिन आपने देखा फिर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और लद्दाख में आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद बचती है, जिसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश आपका शामिल था, और आप देखेंगे तेलंगाना भी शामिल था, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र भी शामिल था, इसमें आप देखेंगे कर्नाटक भी शामिल था, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार था। और अगर पश्चिम बंगाल में भी गठन हो जाता है तो फिर से आपके 7 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगी, ठीक है। और इनसे क्या है कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किस में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक। और एक बात और हमेशा याद रखिए, विधान परिषद के पास कुछ ज्यादा शक्तियां होती नहीं है, इसका गठन करने का मुझे लगता है कि मेन उद्देश्य यही रहता है कि मान लीजिए कोई पार्टी से कोई नेता हारा हुआ है तो उसे आप समझिए कि विधान परिषद के जरिए भेज देना, या फिर आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई नेता अच्छा पार्टी में अच्छी खासी जगह रखता है और उसे मुख्यमंत्री बनना है या मंत्री का पद देना है, तो आप सभी जानते हैं कि एक एक तरह से विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होता है, तो विधान परिषद के जरिए भेज देना। जैसे आप लोग सामान्य तौर पर एक उदाहरण काफी चर्चा में बना रहता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ना तो पिछली बार लड़ा था और ना ही इस बार लड़ा, लेकिन आपने देखा है फिर भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि विधान परिषद के जरिए वो चुने गए सदस्य बने, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और केंद्र में भी आप देख सकते हैं, अभी आपके जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं हमारे, ये आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले आपने देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो लोकसभा सदस्य नहीं थे, वो आपके राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों को आप जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य आपके जो विधायक होते हैं ना, वही चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को, ठीक है। और एक पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश से लगती है, तो ये भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। देखिए उड़ीसा से भी इसकी सीमा लग रही है, और झारखंड से भी आप देख सकते हैं, बिहार से भी, और यहाँ आपका सिक्किम, और यहाँ आप देखेंगे असम, यानी कि 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे कि नेपाल से भी लगती है इसकी सीमा, और बांग्लादेश से भी लगती है, और भूटान से भी लगती है, 3 देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपको 294 विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें 42 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 16 देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें जिस भी पार्टी ने अपनी पकड़ बना ली वो केंद्र में सरकार बनाने के लायक यानी बनाने में पहुंच जाता है, ठीक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है, और परिषद की स्थापना के लिए एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है, उसके बाद आप देखेंगे राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। और वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा को, माफ करिए, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि पहले इसमें विधान परिषद भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। और कई राज्यों ने ऐसा किया भी है, कई राज्यों का कहना था कि कोई मतलब नहीं है, जब विधान परिषद के पास कोई शक्ति ज्यादा शक्तियां नहीं रहती हैं तो इसे बन रखने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। इसके अगर हम लोग गठन की बात करें तो भारत में विधायिका की 2 सदनीय होती हैं प्रणाली, जिस तरह आप देखते हैं केंद्र में भी आपके 2 सदन होते हैं, आप देखते हैं लोकसभा हो गया, राज्यसभा, इसी तरह आप राज्यों में भी देख सकते हैं, कई राज्यों में 1 सदनीय देखने को मिलेगी, केवल विधानसभा देखने को मिलेगी। जैसे एमपी ले लीजिए आप लोग, राजस्थान ले लीजिए, इनमें गुजरात ले लीजिए, इसमें आप लोगों को केवल एक ही विधानसभा ही देखने को मिलेगी।
जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हो सकती है, याद रखिए भी। लेकिन एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऐसे कई राज्य हैं आपके जहां विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा कि जहां विधानसभा ना हो और विधान परिषद हो। तो विधान परिषद होने के लिए विधानसभा होना जरूरी है, ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए। और इस आर्टिकल को भी याद रखिए, कई बार आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रीलिम्स में, 169, ठीक है। और विधान परिषद वाले 6 राज्यों में आपको बता भी चुका हूं कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया और अंततः परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी बाकी है। अगर दी जाती है तो यहाँ आंध्र प्रदेश में आपकी विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। वर्ष 2019 में आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 169 की अगर हम लोग बात करें तो संसद एक विधान परिषद को, संसद एक विधान परिषद को जहां पहले से मौजूद है उसका विघटन भी कर सकती है और जहां पहले से मौजूद नहीं है वहां इसका गठन भी कर सकती है। कौन? संसद। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद अपने मन से कर दे, उसमें राज्य में जो विधानसभा है उसकी भी सहमति जरूरी होती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे तो इस तरह के प्रस्ताव का राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब इतना सा है कि मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं किसी विधानसभा में, तो 50% से अधिक यानी कि 51 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। और यही विशेष बहुमत की बात कर लेते हैं तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, सदस्यता का बहुमत विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत आपका विशेष बहुमत कहलाता है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि पूर्ण बहुमत होता क्या है, विशेष बहुमत होता क्या है, ठीक है। और पूर्ण बहुमत तो आप लोगों को शब्द से ही मालूम चल रहा होगा, कई जगह आप लोग सुनते नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है वहां, यानी कि उसे अच्छा, एक तरह से उसके विधायक अच्छे हैं, ठीक है, मतलब 50% से अधिक हैं। इसकी संरचना की बात करें अगर हम लोग तो संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। पहले तो आपको संविधान का आर्टिकल 171 याद रखना है, ये आपका विधान परिषद से संबंधित है। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना होगा कि विधानसभा जहां है उसके कुल सदस्यों का 1/3 या फिर 40 से कम नहीं होंगे विधान परिषद सदस्य, ठीक है। और राज्यसभा के समान विधान परिषद एक सतत सदन है और अर्थात एक स्थायी निकाय भी है जिसका विघटन नहीं होता है। आप देखते हैं कि कई बार आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, सिविल सर्विस में भी आपने देखा है कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो याद रखिए आपका राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद में एक बात है कि स्थायी सदन जरूर है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है आगे कभी भी, लेकिन राज्यसभा को किसी भी कीमत में कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा में भी आप देखते हैं 6 साल होता है और जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य हटते रहते हैं, नए आते रहते हैं, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा में आप देखते हैं कि विधानसभा का 5 साल बाद एक तरह से खत्म होता है उनका कार्यकाल, फिर नए एक तरह से विधायक चुने जाते हैं या फिर वही चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो आते रहते हैं। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें निर्वाचन पद्धति की कि आखिर ये आपके जो
एमएलसी, या फिर जिन्हें आप लोग विधान परिषद सदस्य भी कहते हैं, तो ये चुने कैसे जाते हैं? तो एक तिहाई एमएलसी राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो आपके विधायक होते हैं ना एमएलए, यही चुनाव करते हैं एक तिहाई सदस्यों का। इसके अलावा आप देखेंगे एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों, जैसे आप देखते हैं नगर पालिका होती है, जिला बोर्ड होते हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं। एक एक बारवा हिस्सा सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, और 1/12 सदस्यों का राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं, यानी कि आप लोगों ने स्नातक कर लिया है और 3 साल हो चुके हैं, तो आप भी 1/12 हिस्सा आप चुन सकते हैं। ठीक है, शेष सदस्यों की बात करें तो नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्त करता है या मनोनीत करता है, ये किन क्षेत्रों से करता है? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव। अगर इसमें आप भी अनुभव रखते हैं तो आपको भी हो सकता है कि विधान परिषद सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यसभा से अगर हम लोग राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की बात करें तो परिषदों की विधायी शक्ति सीमित है दोनों के पास, और राज्यसभा के विपरीत जिसके पास गैर वित्तीय विधान को आकार देने की पर्याप्त शक्तियां हैं और विधान परिषद के पास ऐसा करने के लिए संविधानिक जनादेश नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि राज्यसभा से भी कम शक्तियां हैं आपकी विधान परिषद के पास। विधानसभाएं परिषद द्वारा कानून में किए गए सुझाव संशोधन को रद्द कर सकती हैं। वही बात है कि आप समझिए कि आपके पास घर वालों ने कोई प्रस्ताव भेजा, आप उससे सहमत नहीं है, आपने कुछ बदलाव करके उस प्रस्ताव को वापस किया, तो घर वाले चाहें तो आपकी बात को मान सकते हैं और ना चाहें तो वो रद्द कर सकते हैं, यानी कि कोई लगभग आपका मायना नहीं है। सीधी सी बात, अगर कोई बात अच्छी लगी तब जरूर मान सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे राज्यसभा सांसदों के विपरीत एमएलसी यानी कि विधानसभा परिषद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि जो विधान परिषद है ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और ना ही आपकी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो उस सदन का सदस्य नहीं है फिर भी आप समझिए कि सभापति होता है, तो याद रखिए उपराष्ट्रपति, ठीक है, जबकि परिषद का अध्यक्ष परिषद के किसी एक सदस्य को ही चुना जाता है, लेकिन लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष वही व्यक्ति बनता है जो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विधान परिषद की भूमिका की अगर बात करें तो यह उन व्यक्ति विशेष की स्थिति को सुनिश्चित कर सकती है जिन्हें चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जा सकता है, परंतु वे विधायी प्रक्रिया जैसे कलाकार वैज्ञानिक में योगदान करने में सक्षम हो। लेकिन आप देखते हैं इसका हमेशा एक तरह से अलग ही उद्देश्य निकाला जाता है कि कोई पार्टी का नेता हार गया चुनाव उसे भेद देना, वैसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी उद्देश्य से बनाया जाता होगा कि जैसे आप समझिए कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई अच्छा ज्ञानी है, अच्छी समझ रखता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छी समझ रखता है या समाज सेवा की अच्छी समझ रखता है, तो उन लोगों को इसके जरिए भेज देना कि वो भी अपनी बातें अच्छे से समझा सकें, कुछ सलाह दे सकें, ठीक है। और यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर नजर रख सकती है। और विधान परिषद के खिलाफ तर्क की बात करें तो यह विधि निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर सकती है, साथ ही से राज्य के बजट पर बोझ भी माना जाता है, इसीलिए आपने देखा है कि कई राज्यों ने इसे खत्म भी कर दिया है। और इसका उपयोग उन नेताओं को संगठित करने के लिए भी किया जा सकता है जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो ये भी इसका उद्देश्य निकाला जाता है। तो यही कहानी है विधान परिषद के बारे में, इसके बारे में यही पॉइंट आप लोग याद रखा करिएगा क्योंकि इससे सामान्यतः कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, स्टेट पीसीएस में भी बन चुके हैं, आपके सिविल सर्विस में भी बन चुके हैं और वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट
क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है।